भाई और बहनों, मैं यहां आया हूं तब हुड़ा साहब को जरूर कहना चाहता हूं, हुड़ा साहब चुनाव आता है तब बीसी 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 की माला जपते हो। कांग्रेस पार्टी हमेशा से पिछड़ा वर्ग की विरोधी रही, ओबीसी की विरोधी रही। सन 57 में ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए काका साहेब कालेलकर कमीशन बना, कांग्रेस ने सालों तक इसको लागू नहीं किया। 1980 में इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन को ठंडे बस्ते में डाला, 90 में जब लाया गया राजीव गांधी ने 2 घंटा 43 मिनट भाषण कर ओबीसी के रिजर्वेशन का विरोध। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? वो रिजर्वेशन तो मिला ही था, इसके साथ ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देकर आपको संवैधानिक अधिकार देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। 16 और जातियों को ओबीसी में आरक्षित करने का काम किया और केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और नीट की परीक्षाओं में 27% आरक्षण पहली बार हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया। और क्रिमिलियर की लिमिट को न सिर्फ बढ़ाया, इसमें से कृषि और तनख्वाह की आय को बाहर रखने का काम, ऐतिहासिक निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने किया और आज से वो हरियाणा के बीसी को भी इसका फायदा मिलने वाला है।